वर्कर सैलरी सीट सबका बन गया था, अब अटेंडेंस सीट सीखेंगे हम लोग कि अटेंडेंस सीट कैसे एक्सेल में बनाते हैं। बिल्कुल आसान प्रोसीजर है, बस थोड़ा सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया गया है इसमें। तो आप अटेंडेंस सीट बनाने के लिए एक्सेल ओपन कर लेंगे और यहाँ हेडिंग, तो हेडिंग बनाने के लिए या तो हम वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर लेंगे या नहीं तो मर्जेंट सेंटर का, जो आपको यहाँ पे अच्छा लगे वो वर्ड आर्ट आप यहाँ से ले सकते। मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे लिख दिया। बाकी सेव फिल आप डाटा बनाते रहिए। मैंने ये डाटा फिल कर लिया, बाकी बोल्ड इटैलिक करना है तो मैं यहां से बोल्ड इटैलिक कर लूंगा। हमने सबसे पहले लिख दिया सीरियल नंबर, 1 लिखे और नीचे यहाँ 2 लिख दिया। एक चीज नोटिस रखिएगा कि हमेशा टेक्स्ट लेफ्ट में अलाइन होता है और नंबर हमेशा राइट में। देखिए टेक्स्ट लिखे हैं तो लेफ्ट में है, नंबर लिखे हैं तो राइट में। अगर बीच में फिर कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो लेफ्ट में और नंबर लिखेंगे तो राइट में। कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे आप तो वो लेफ्ट में रहेगा, ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने 1-2 को सेलेक्ट किया और इसे ड्रैग कर दिया। चलिए मान के चलिए हम यहाँ ड्रैग कर दिए इस तरह, और नेक्स्ट हमने लिख दिया रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर यहां लिख दिए स्टूडेंट नेम। डबल क्लिक कर देंगे ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने लिख दिया कोर्स, टोटल फी कर दिया, और नेक्स्ट हमने कर दिया यहां फी। नेक्स्ट मान लीजिए हमने कर दिया ड्यू फी। इतना नोट कीजिए, नोट करने के बाद बताएं इसमें कैसे भरना है। हो गया इतना, हो गया सबका। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर एक एक लोग का हम ऐसे टाइप करेंगे तो लग जाएगा टाइम। ठीक, तो मैं रैंड बिटवीन फार्मूला चला दूंगा, साइड में अगर कहीं नहीं लिखे होंगे तो आप लिख लेंगे इक्वल रैंड बिटवीन। ठीक, अब देखिए रैंड बिटवीन लिखेंगे, यहां सबसे पहले पैरामीटर पूछेगा बॉटम, बॉटम वैल्यू। तो बॉटम में मान लीजिए हम कर दिए कि जितने स्टूडेंट हैं सबका रजिस्ट्रेशन नंबर 1033 और मान लीजिए हमने कर दिया 1540 के बीच में ही आए, ना ही 1033 से कम आए और ना ही 1540 के बीच में। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इक्वल रैंड बिटवीन ब्रैकेट ओपन 1033 और 1540। अब इतना लिखने के बाद इंटर, जैसे इंटर करेंगे तो देखिए 1033 से नीचे नहीं आया और 1540 से ऊपर नहीं गया। अब एक का निकल गया तो बाकी आप ड्रैग कर दीजिए, सबका रैंडम नंबर आएगा, किसी का सेम नहीं आएगा, उन्हीं के बीच का एक रैंडम नंबर जाएगा। ठीक,
ठीक। अब देखिए नेक्स्ट करना क्या है, ये रैंडम नंबर लाने के बाद आप इनको फिक्स करेंगे। फिक्स इसलिए करेंगे ताकि अगर एक का चेंज करेंगे तो बाकी का चेंज सब हो जाएगा। देखिए क्योंकि रैंडम नंबर है तो सबको फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट। हर रोज यही काम है, धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। कंट्रोल सी कीजिए कॉपी, और यहीं पे मिल जाएगा पेस्ट के नीचे एक बटन, और कहां जाएंगे, पेस्ट स्पेशल, और इसको कर देंगे कन्वर्ट किसमें, वैल्यू में। तो अब ये फार्मूला नहीं रहा, क्या हो गया, वैल्यू। अब एक को चेंज करेंगे तो बाकी चेंज नहीं होगा, जिसका चेंज करेंगे केवल उसी का चेंज होगा। अब स्टूडेंट ने तो सारे स्टूडेंटों का नाम आप टाइप कर लेंगे, ठीक। ऐसे मैं कस्टम लिस्ट बना के सेव किया था, आप लोग को पता है ये कस्टम लिस्ट कहां से बना है। गए थे आप फाइल मेनू, ऑप्शन, एडवांस, और यहाँ स्क्रॉल करेंगे एडिट कस्टम लिस्ट। देखिए यहाँ पे हमने मोहन, सोहन, राहुल, ये सारा नाम पहले से बना के सेव किया था कि अब बार बार मुझे हर रोज नाम लिखने की जरूरत ना पड़े। अब कोर्स, तो मैं यहाँ कोर्स लिख दूंगा। यहाँ मैंने कोर्स लिख दिया, मान के चलिए कि हमारे यहाँ इतना ही कोर्सेस संचालित होती है, और ड्रैग कर देंगे तो सबका इसी में एडमिशन आ जाएगा। अब टोटल फी, तो टोटल फी के लिए भी मैं यहाँ फार्मूला चला दूंगा, ठीक। अब देखिए इक्वल, या चलिए मान के चलते हैं कि सबका फीस 5000 सारे कोर्सेस का। आप अलग अलग टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने डीसीए के लिए कर दिया 15000, ये डीसीए का 14000, ट्रिपल सी का 5000, सीएफए का मान लीजिए हमने कर दिया 4500। ऐसे अलग अलग टाइप करना चाहते हैं तो टाइप कर लीजिए और इसी को फिर ड्रैग कर दीजिए। लेकिन देखिए रैंडम नंबर आने लगे, ड्रैग कर रहे हैं तो देखिए कई लोग का माइनस में चला जाएगा, तो क्या ये सही है। तो आप इसी को सेलेक्ट करके कॉपी और पेस्ट करते जाइए। या तो सारा फीस आप क्या कर लेंगे, टाइप कर लेंगे, आपकी मर्जी, जैसे आपको आसान लगे। अब पैड फी, कितना पैड किए सब, तो चलिए हमने फार्मूला फिर चला रैंड बिटवीन, आर ए एन डी लिखेंगे ना तो दो फार्मूला आ जाएगा, रैंड और रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन पे आइएगा, कर्सर लाइएगा डाउन एरो से, टैब बटन दबाएंगे, ऑटोमेटिक फार्मूले को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कर दिया कि जितने स्टूडेंट है सबका फी 2000 से लेके 2500 के बीच में जमा, ड्रैग मैंने कर दिया और यहाँ डबल क्लिक, सबका फीस उसी के बीच में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, फिक्स करना है तो कंट्रोल सी और यहाँ पेस्ट स्पेशल और वैल्यू, बस ये भी फिक्स हो गया। अब ड्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 15000 में से घटा देंगे कितना, जितना भी पैड किया है, तो इस मोहन का फी कितना है, 12915 रुपए और पेंडिंग है, डबल क्लिक कर दीजिए, सबका निकाल दो। अब देखिए इतना करने के बाद सीट को मुझे ऑटो फिट करना है, मतलब कि वन लिखें तो वन के अकॉर्डिंग ये कॉलम ऑटोमेटिक फिट हो जाए, ताकि जगह यहाँ पे ज्यादा आपको मिल सके। तो ये आप लोग फार्मूला चला लेंगे। देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे, राइट क्लिक जाएंगे, व्यू कोड पे, व्यू कोड पे जाइए और यहाँ मिल जाएगा जनरल, और जनरल की बजाय वर्कशीट, और ये आपको छोटा सा कोडिंग कर देना है, सेल्स डॉट इंटायर, इंटायर कॉलम, और फिर यहाँ जाके डॉट
ऑटो फिट, ये मैंने छोटा सा एक कोडिंग कर दिया, कैसे हुआ है तो देख लीजिए। अब इतना करने के बाद मैं इसे कर दूंगा क्लोज। अब देखिए अगर मैं वन लिखूंगा और इंटर करूंगा तो वन के अकॉर्डिंग कॉलम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। अगर मैं इसमें बड़ा टेक्स्ट लिखूंगा तो उसी के अकॉर्डिंग ये कॉलम फिट हो जाएगा। अगर मैं टू लिखा तो उसी के अकॉर्डिंग, तो ये कॉलम अब देखिए क्या हो चुका है, ऑटो फिट हो चुका है कि जितना बड़ा डाटा रहेगा उतना ही बड़ा इसमें कॉलम की चौड़ाई रहेगी। तो ये कैसे हुआ है, समझ में आया है? नहीं आया। राइट क्लिक, व्यू कोड। ठीक, अभी स्टेप मैं लिखवा दूंगा, पहले अटेंडेंस शीट या लिख लीजिए, लिखिए हाउ, हेडिंग बना लीजिए हाउ टू फिट ऑटो कॉलम, हाउ टू फिट ऑटो कॉलम, कहीं साइड में इसको भी लिख लीजिए। हो गया हाउ टू फिट ऑटो कॉलम, बन गया हेडिंग। अब लिखिए राइट क्लिक ऑन द सीट, राइट क्लिक ऑन द सीट, हो गया प्लस व्यू कोड, व्यू कोड यही, राइट क्लिक ऑन द सीट प्लस व्यू कोड, हो क्या व्यू कोड प्लस प्लस वर्क सीट प्लस वर्क सीट, हो क्या ब्रैकेट में लिख लीजिए जनरल, तो यहाँ पहले जनरल रहेगा, ठीक है, और इसको करना क्या है वर्कशीट, वर्कशीट लिखने के बाद ब्रैकेट में लिख लीजिए जनरल, हो गया। और ये कमांड आप लोग नोट कर लीजिए, स्पेलिंग बिल्कुल सही, डॉट वगैरह का बिल्कुल ध्यान रखना, थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा। केवल इतना ही लिखना है सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट, नहीं कोई स्पेस नहीं है, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो, कहीं स्पेस उसमें नहीं है। वो क्या इतना लिखने के बाद सबका हो गया ना, लिख लिए प्लस करके लिख लीजिए क्लोज विंडो, क्लोज विंडो, हो क्या विंडो को क्लोज करेंगे और जैसे ही टेक्स्ट आप टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक फिट होना क्या हो जाएगा, शुरू कर देगा। अब देखिए हमने कितना डाटा बना लिया, स्टूडेंट का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स फी कितना है, सारी चीजें। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कैसे ड्रैग करेंगे, सितंबर कितने का है, कितने मंथ का, 30, तो आप ड्रैग कर दीजिए, देखिए ऑटोमेटिक सारा नंबरिंग क्या हो जाएगा फिट। अगर इसे ऑटो फिट नहीं किए होते तो ये पूरा डाटा और भी अंदर जाता, इसलिए ऑटो फिट कर दिया कि जितनी बड़ी डाटा रहे उसी के अकॉर्डिंग कॉलम क्या हो जाए, ऑटोमेटिक फिट हो जाए। सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर देंगे, बॉर्डर, बॉर्डर लगाना जानते हैं, बॉर्डर पे क्लिक कीजिए और हाल बॉर्डर लग गया सब पे, बोल्ड करना है बोल्ड आप यहाँ से इटैलिक वगैरह आप कर लीजिए साइज बढ़ाकर, ठीक। अब देखिए
कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना। हम चाहते हैं जितने स्टूडेंट प्रेजेंट हो यानी पहली तारीख को पी बटन दबाएं तो ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाए, ई बटन दबाएं तो रेड हो जाए। तो कंडीशन देना कि इसमें जितनी जगह पी लिखा जाए तो ऑटोमेटिक ग्रीन, ए लिखा जाए तो रेड, और एल यानी लीव लगाया जाए तो येलो। आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं, तो आप रेंज को सेलेक्ट करेंगे। हो गया, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखवा दो। रेंज को सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे यहाँ कंडीशनल फॉर्मेट, यहाँ मिल जाएगा हाईलाइट सेल रूल और यहाँ पे देगा इक्वल टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू। अब यहाँ पे आप टाइप करेंगे किसके बराबर हो तो पी के बराबर। इस रेंज में कहीं भी पी लिखा जाए तो जब भी पी टाइप करें तो जाएंगे आप कस्टम फॉर्मेट कलर बनाएंगे, और पी टाइप किया जाए तो कौन सा कलर फिल हो जाए तो फिल टाइप में जाइए और ग्रीन। फॉन्ट क्या रहे तो फॉन्ट मान लीजिए हमने कर दिया बोल्ड, और कलर क्या रहे तो हमने कर दिया ब्लैक, और यहाँ ओके। पी के लिए हमने सेट कर दिया कि इस रेंज में कहीं भी पी बटन दबाया जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा और फॉन्ट का कलर ब्लैक हो जाएगा। फिर उसी रेंज को सेलेक्ट किया हाईलाइट सेल रूल और इक्वल टू। इसी रेंज के लिए हम कंडीशन देंगे ए यानी एब्सेंट चढ़ाया जाए, तो फिर कलर बनाएंगे कस्टम फॉर्मेट और कहां जाएंगे फिल, और इस बार हमने कर दिया रेड, फॉन्ट का कलर मैंने कर दिया गोल्ड और फॉन्ट का कलर ब्लैक, और फिर ओके। ए के लिए भी कंडीशन दे दी और नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल फिर इक्वल टू, और यदि कोई छुट्टी ले स्टूडेंट यानी एल बटन दबाया जाए इस रेंज में तो कस्टम फॉर्मेट फिल कलर और हमने कर दिया येलो और फॉन्ट कर दिए बोल्ड और फॉन्ट का कलर कर दिए ब्लैक, ओके कर ठीक। अब देखिए ये पहली तारीख का मान लीजिए हम अटेंडेंस लगा रहे हैं, ये मान लीजिए सितंबर का है। मोहन जैसे ही बोलेंगे अगर वो प्रेजेंट बोलेगा पी बटन दबाएंगे ग्रीन और बोल्ड हो जाएगा, ऐसे बस पी बटन दबाइए ऑटोमेटिक ग्रीन, और जो अब्सेंट होगा ये चढ़ाएंगे तो रेड ठीक। कोई छुट्टी पे है एल बटन दबाएंगे तो लीव, तो ये फुली ऑटोमेटिक अटेंडेंस सीट है। आप दूसरी तारीख तो फिर दूसरी तारीख को जितने लोग प्रेजेंट हैं आप पी बटन दबाएंगे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा ग्रीन, जितनी जगह पी बटन दबाएंगे और जितनी जगह ए बटन दबाएंगे ऑप्शन। देखिए दो पी लगा तो हुआ नहीं, क्योंकि कंडीशन किसके लिए दिया है एक पी के लिए, सिंगल पी के लिए। तो ये समझ में आ रहा है इस रेंज में आप कहीं भी पी बटन दबाएंगे तो ग्रीन और कहीं भी ए बटन दबाएंगे तो ये समझ में आया अटेंडेंस सीट कैसे बना है। तो अब लिखिए हेडिंग हाउ टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हाँ दिवाली पे हो या किसी चीज पे, दिवाली को तो सेंटर बंद ही रहेगा, छुट्टी लगाने की जरूरत ही नहीं है। मान लो कोई एप्लीकेशन स्टूडेंट दे दिया तो लीव चढ़ाएंगे ना कि हाँ इस तारीख से लेके इस तारीख तक ये लीव है। मान लो ये राजू है छुट्टी लिया है कब से, मान लो 5 तारीख से लेके 10 तारीख तक, तो यहाँ पे आके इसका एल बटन लगा दो कि हाँ ये कितने दिन के लिए छुट्टी है। बस हेडिंग लिखिए हाउ टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हो गया, लिखिए इसमें सेलेक्ट ऑल मंथ डेट, सेलेक्ट
ऑल मंथ डे हो क्या? सेलेक्ट ऑल मंथ डे प्लस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो क्या? ऊपर लिखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके बाद हाईलाइट सेल्स रूल, हाईलाइट सेल्स रूल प्लस करके लिखिएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्लस हाईलाइट सेल्स रूल प्लस इक्वल टू प्लस इक्वल टू हो क्या? प्लस टाइप ए, सॉरी ए नहीं पी, आप ए पी पहले कोई लगा लीजिए, चलिए पी, टाइप पी हो क्या? प्लस ड्रॉप डाउन एरो, ये ड्रॉप डाउन एरो है, ड्रॉप डाउन एरो हो गया, ड्रॉप डाउन एरो प्लस कस्टम फॉर्मेट, ड्रॉप डाउन एरो प्लस कस्टम फॉर्मेट हो गया, कस्टम फॉर्मेट प्लस फील टैब, फील मेनू लिखिएगा, फील मेनू, फील मेनू हो गया, फील मेनू प्लस चूज ग्रीन कलर, चूज ग्रीन कलर हो गया, चूज ग्रीन कलर प्लस फॉन्ट मेनू, प्लस फॉन्ट मेनू हो गया, प्लस बोल्ड कॉमा, बोल्ड कॉमा ब्लैक कलर सेलेक्ट, बोल्ड कॉमा ब्लैक कलर सेलेक्ट हो गया, प्लस ओके, प्लस ओके हो गया, एक बार और ओके फिर करके लिख लीजिए, प्लस ओके दो बार ओके, ठीक, फिर लिखिए स्टेप टू, सेव कर लेंगे ना, मुझे नहीं लगता है लिखवाने की जरूरत, बस जहां पी है वहां क्या कर देंगे, बस कलर अपने हिसाब से चूज कर लीजिए, तो ये कर लेंगे आप, तो अटेंडेंस सीट आप लोग बना लेंगे, बन जाएगा ना, ऐसे पूरा भर लेंगे आप लोग, और ये वाला बस कंडीशन ऐसे ही, या फिर आप पूरे रेंज को सेलेक्ट कीजिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, और यहाँ पे क्या टाइप कर देंगे, ए कस्टम फॉर्मेट, और कस्टम फॉर्मेट में जाने के बाद फिल कलर ले लीजिएगा, फॉन्ट का कलर आप कर लीजिएगा, ओके कर दीजिए बस, फिर ए के बाद एल, ऐसे आप तीनों के लिए एक ही बार में सेट कर देंगे, और फिर फील, और यहाँ आप अपने हिसाब से कलर जो मर्जी आपको, कोई जरूरी नहीं है कि यही कलर बस
कंडीशन दे दीजिए, आप कहीं भी आप टाइप कीजिए ए तो रेड, टी तो ग्रीन, एल लीव। तो ये समझ में आया कैसे बना है? तो ये भी आप कर लेंगे। क्या ऑटो फिट वाला बैड फिश कैसे? देखिए फार्मूला नहीं समझ में आया, आप लोग भर लीजिएगा। देखिए टोटल फीस मान लीजिए डीसी का 15,000 है, मोहन ने कितना पे किया है 2,085 रुपए, तो हाथ से टाइप कर लेंगे 2,085। और ड्यू निकालना है तो क्या करेंगे, कितना बाकी है, और तो 15,000 में से 2,000 को माइनस कर। ये फार्मूला से लाए हैं सब, या तो आप टाइप कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे, टाइम बचाना है तो फार्मूला चला लीजिए, नहीं तो आप मैनुअल टाइप कर लीजिएगा। इक्वल रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन पे लाइए टैब बटन दबा दीजिए। बॉटम वैल्यू हमने यहाँ पे दिया है कि जितने स्टूडेंट हैं किसी ने 2000 और मान लीजिए 2000 से लेके 2500 के बीच में सारे स्टूडेंट फी जमा किया, ना ही किसी ने 2000 से कम किया है और ना ही किसी ने 2500 से ज्यादा। अब सेलेक्ट कीजिए और डबल क्लिक कर दीजिए, सबका निकल के आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबका 2000 आ जाएगा और सबका 2500, उन्हीं के बीच का एक रैंडम नंबर दे दिया, ठीक है। ये रैंड बिटवीन फंक्शन होता है। सेलेक्ट किया है, कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया है और अल्ट कंट्रोल वी से पेस्ट स्पेशल होता है, लिख लीजिए आप लोग अल्ट कंट्रोल वी पेस्ट स्पेशल और वैल्यू पे जाके क्लिक कर दिए बस। और ड्यू निकालना है तो आपको पता ही है, इक्वल टोटल फीस में से पैड फी को घटा दिए हैं, डबल क्लिक कर दिया है, फिल हैंडल पे ले जाके ऑटोमेटिक फिल हो गया। बाकी अटेंडेंस सीट तो आप लोग बना ही लेंगे, बन जाएगा ना, तो बनाएंगे अच्छे से।